भारतीय मजदूर संघ सरकार को चेताने के लिए जयपुर में रैली निकालने जा रहा है। 6 मई को शहीद स्मारक से लेकर सिविल लाइन फाटक तक रैली निकालकर मजदूर संघ विरोध दर्ज कराएगा। भारतीय मजदूर संघ ने इस रैली को मजदूर आक्रोश रैली का नाम दिया है। संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री राज बिहारी शर्मा ने बताया कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए काम नहीं किया। ऐसे में प्रदेश के लगभग 285 यूनियन ने इस रैली में शामिल होंगे। सरकार को 21 सूत्रीय मांगों का मांग पत्र भी सौंपा गया है। कि भारतीय मजदूर संघ के साथ जो द्वेषतापूर्ण व्यवहार है और जो पक्षपात किया जा रहा है उसके विरोध में, और गरीब मजदूर जिसे ना जॉब सिक्योरिटी है, ना वेज सिक्योरिटी है, ना सोशल सिक्योरिटी है, ऐसे गरीब मजदूरों के अधिकार की रक्षा के लिए भारतीय मजदूर संघ 6 मई को प्रदेश स्तर की एक आक्रोश रैली, ये आक्रोश रैली इसलिए कहा गया इसको कि भारतीय मजदूर संघ के साथ जो सोतेला व्यवहार और राजनीतिक आधार पे जो व्यवहार हो रहा है उससे सभी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। ये रैली 6 मई को शहीद स्मारक से लेकर सिविल लाइन फाटक तक रहेगी और सिविल लाइन फाटक पर एक आम सभा होगी जिसे भारतीय मजदूर संघ